जीएल बजाज में चल रही अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। Mathematical methodology. I'll not get deeper into that. I'll just move forward. Okay. So why I have used now? Just one part I'll tell that why I have used fuzzy D-metal methodology. D-metal is a methodology under a multi-criteria decision making. So in this particular methodology helps us to find out that out of n number of barriers, which are the causal barriers, like leading to another. सपना राकेश जी, क्या खास कार्यक्रम आपके यहाँ पर जीएल बजाज में आयोजित किया जा रहा है? दो दिन से अभी एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर है। ये कॉन्फ्रेंस जीएल बजाज के साथ सनवे यूनिवर्सिटी मलेशिया और जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इवनिंग हम तीनों मिलकर कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर मिस्टर फरशद बेदी जो हैं वो, और जमनालाल बजाज मुंबई के डायरेक्टर श्रीनिवासन अय्यंगर चीफ गेस्ट थे। कल उन्होंने बोला लगभग 55 कॉलेजेस से करीब 100 व्याख्यान इस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें छात्र भी हैं जो अपने शोध पत्र पढ़ेंगे, उनके साथ प्रोफेसर्स भी हैं, अलग अलग जगहों के प्राध्यापक हैं जो अपने शोध पत्र पढ़ेंगे। और मुख्य विषय कॉन्फ्रेंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबिलिटी है, जो आज की दुनिया के बहुत की इश्यूज। थैंक यू।